एचडीपी के पाइप हाई डेंसिटी होते हैं, पॉलीथाइलिन का। ये हम इसको हम ओवन होते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पे, इसको हम इसको मेल्ट कर देते हैं सेमी मेल्ट करने के बाद होता है तो भी ठंडा हो जाता है। फिर हम इसको ब्रेकआउट कर देते हैं, यूपी को हम ब्रेकआउट कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला की पंजा। फिर हम इसको कटिंग करके स्टम्प का नाम बैंक है, जो चापू फूट है, इसको हम इसका अटैच कर देते हैं। अलग अलग साइज के होते हैं, 5-6 जो भी पेशेंट का साउंड टाइप का जो बहुत बहुत मुबारक हो जी, सब अल्लाह का करम है ना। चलो सरप्राइज हो गया, सुबह सुना मैंने अभी, मैं सर ने कहा रियली यू आर ग्रेट सर, किसी को खा देता है और इसको 22 साल बाद पीएचडी मिली है, बहुत ग्रेट। चला मुझे एयरपोर्ट सस्पेंशन होता है, ये मूली शाफ्ट होती है, इसके ऊपर सस्पेंशन के लिए काम करती है। पेशेंट के ऊपर हम ये मान देते हैं पैर को, इसको निकल लेने देते हैं, ये फाइनली ये इसके ऊपर। जयपुर फुट ये दिस इज जस्ट अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ प्रोसेसेस बिलो नी प्रोसेस। इसी से अगर ये कंफर्ट होगा तो पेशेंट अच्छा चल सकती है। And this team of technicians from Jaipur, staff of One Stop Center, Sri Rajkumar ji, it reflects the dedication of our NGO and support of our partners and well-wishers. वाह देता हूँ कि इतनी dedication और इतनी मेहनत के साथ इन्होंने ये काम करते हैं और पिछले 40-50 साल से ये कार्य कर रहे हैं और विदाउट एनी लालच के बिना इतना डेडिकेशन करनी है और एज ए टीचर रह के भी, प्रिंसिपल रह के भी लोगों की खिदमत की है इन्होंने, इसके लिए मैं इनको कमांडर 93 ब्रिगेड हमारे बीच में कमांडिंग अफसर 5 सुनील शर्मा जी जो हमारे बार के सीनियर एडवोकेट हैं, राज जी हमारे कौंसलर साहब, बागी साहब कौंसलर साहब, उसके अलावा डे के मौका पर जो ये प्रथम स्पिरिचुअल ट्रस्ट ने 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड और जिला इंतजामी की जानब से ये आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप का इनकाद किया है। पिछले की दहियों से ये करते आ रहे हैं। मैं आपको बताना चलूँ, जो लोग अपने अज़ा किसी वजह से, चाहे वो माइन ब्लास्ट हो या किसी दूसरे मुल्क की जो बमबारी होती है उस वजह से खोए होते हैं या किसी और वजह से खोए होते हैं, वो उन लोगों को यहाँ पर लिम्ब्स लगाए जाते हैं। मैं आपको ये भी बताना चलूँ, ये जो काम पिछले 30 से तकरीब 35 सालों से आर्मी और ये जो प्रीतम सफरेज ट्रस्ट और ज़िला इंतजामिया मिल के ये करती आ रही है, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। उनको जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता ये करने के लिए, उन लोगों को ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ उनको ये हो रही है। मैं अपने दिल की अमीक गहराइयों से इस ट्रस्ट को और आर्मी और ज़िला इंतजामिया को अपने दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो ये काम करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे और भी कैंप जो यहाँ पे एनजीओज़ हैं वो भी यहाँ पे ऐसे काम करें ताकि यहाँ के लोगों को, बॉर्डर एरिया के लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके।
नीतम फाउंडेशन के साथ साथ आर्मी को भी देना चाहता हूँ। आर्मी जो यहाँ सहयोग कर रही है दिव्यांगों के लिए, जैसा हम देख रहे हैं आर्मी ने अपना पूरा टेंट सुविधा उपलब्ध करा रही है, आर्मी के जवान सेवा में लगे हुए हैं, गेट से दिव्यांगों को गोदी में उठा उठा के ला रहे हैं और यहाँ हमारे पास हम उनका नाप ले रहे हैं, बना रहे हैं और फिर उनको चलाने में वो मदद कर रहे हैं। आर्मी के जवान तो वैसे ही सैल्यूट के लायक हैं, लेकिन फिर भी हम आर्मी का इस दिव्यांग सेवा के क्षेत्र में भी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है, वो भी देश सेवा से कम नहीं। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी आर्मी के जवानों को सैल्यूट करते हैं।